हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ है और बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जो अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि भर्ती कब आने वाली है, कब नहीं आने वाली है, तो फ़िलहाल अखबार में जो है आपका नोटिस आ चुका है कि कब से कब तक भर्ती आने वाली है, कब से कब तक नहीं। पहले मैंने वीडियो बताई थी, आपको बताया था कि आपकी जनवरी के लगभग में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो बच्चों, बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अखबार में ये कटिंग जो है, अखबार में कल वाले अखबार में जो है आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए, लखनऊ के अखबार में मिलेगी, आप ढूंढ सकते हैं जाकर। देखिए इसमें क्या करा, इसमें बदलाव, फिर बदलाव कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट आप चाहती है कि जैसे पहले से जो भी भर्ती हो रही है सारी भर्ती कोर्ट में जा रही है, सब भर्ती में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने नए सिरे से बनाएंगे परीक्षा केंद्र की सूची। यानी अब ये जो है नए सिरे से परीक्षा केंद्र की सूची बनाएंगे। मतलब पहले जो था कि भाई उसे करा दिया, उससे करा दिया, इस तरीके से ये नहीं कराएंगे, मतलब पूरी इस तरीके से कराएंगे। आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। इसमें बताया है, प्रमुख संवाददाता पुलिस व पीएससी के कांस्टेबल और अग्निशामक विभाग में फायरमैन के 35,757 पद पर नए साल में होने वाली भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूरी तरह फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इस भर्ती में नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,200, पीएससी के कांस्टेबल के 8,500 और फायरमैन के 1,057 पदों को शामिल हैं। बोर्ड के पिछली परीक्षा में बनाए गए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में हुई गड़बड़ी के आधार पर पुनरीक्षण शुरू किया गया है। यानी जो पहले बनाए गए थे उनमें गड़बड़ी पाई गई थोड़ी, तो उसके आधार पर अब नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नए साल में होने कांस्टेबल के समकक्ष इतनी वैकेंसी आनी है। आपको बताया, इन्होंने बता दिया है क्लियर कि जनवरी या फरवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म दे दिए जाएंगे। अभी आपको पता होगा, ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो इच्छुक कंपनियाँ हैं, जो आपका एग्ज़ाम कराएगी, उनको अभी जो है आवेदन कराए हैं कि कौन सी कंपनी इच्छुक है। जो कंपनी होगी उसी, वही आपका आवेदन कराएगी, वही आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो जनवरी या फरवरी में आपकी, अभी इन्होंने जनवरी कहा है, तो जनवरी फरवरी यानी जनवरी के लास्ट में या जनवरी के फरवरी के फर्स्ट में आपके ऑनलाइन फॉर्म ले लिए जाएंगे और आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तो पता है आपको कि 35,757 पद जो है आने आने वाले हैं, कंफर्म कर दिया ये। और ये अभी जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। भाई आ चुकी है, बिगुल बज चुका है, अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।